हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर्स पे। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको सिखाया था कि आप लोग VB.NET का जो विजुअल स्टूडियो मेन आईडी होता है, हाउ कैन यू इंस्टॉल इट। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड जस्ट चेक इट आउट। नाउ इन टूडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू कम्प्लीट वन मोर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द इंटरफेस। जो आपका आईडी का इंटरफेस होता है उसके मेन मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए हमें स्टार्ट करना है विजुअल स्टूडियो। सो आई एम ओपनिंग विजुअल स्टूडियो 2019। यस, आफ्टर देन देखिए देर आर मेनी थिंग्स। ये सारे फॉर्म जो हैं, ये सब जो दिख रहे हैं प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट्स मैं वर्क कर रही हूँ, दीज प्रोजेक्ट्स आर शोइंग हियर। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो यू कैन गो इन द राइट साइड एंड यू कैन सी this particular option is here, create a new project and you need to click here only. After then, it will ask you आप किस तरीके का framework बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि अभी हम VB.NET की बात कर रहे हैं, it means we want to create some window form based application. So for that, I need to search a template that is window. देखिए जैसे मैंने विंडो किया, इट इज गिविंग मी विंडो फॉर्म एप डॉट नेट फ्रेमवर्क। वैसे बाकी हमारे पास बहुत सारे और भी हैं, बट हमें यही वाला चूज करना है। तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दिस। नाउ आफ्टर देन इट इज आस्किंग मी टू गिव द नेम टू माय प्रोजेक्ट। देखिए कभी भी दोस्तों अगर आप कुछ भी बनाएंगे, कोई भी ऐप एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे, वो कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बट इन टोटल वो एक प्रोजेक्ट है जिसको हमें साथ में कंबाइंड रखना है। फॉर दैट आई नीड टू गिव वन नेम हियर। सो आई एम गिविंग वन एप्लीकेशन और आई एम राइटिंग एग्जाम्पल फॉर टूडेज सेशन। आई एम गिविंग द प्रोजेक्ट नेम एज एग्जाम्पल। अगर देख रहे हो तो आपको सॉल्यूशन के नाम में भी दिख रहा होगा एग्जाम्पल। एंड नाउ आई नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स बाय विच एवरीथिंग विल बी इनिशियलाइज्ड। Yes, done. It is the very first window जब आप अपने project का नाम दे देते हैं, and इसके अंदर बहुत सारे आपके पास different different interface के कुछ parts हैं। मैं इस interface के parts को आज आपको introduce करने वाली हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जो आपका main interface है उसका नाम है visual designer, that is visual designer। हाँ जी दोस्तों, visual designer में basically अगर आप देख रहे हो तो आपको ये नजर आ रहा होगा एक फॉर्म वन। अगर आप यहाँ टॉप पर देखें तो नजर आ रहा होगा फॉर्म वन। बेसिकली दिस इज दी मेन टूल जो कि बाकी सारे टूल्स को अपने ऊपर प्लेस करवा लेता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉर्म टूल। तो आप बेसिकली मान के चलिए कि ये जो पार्ट है इसको हम फॉर्म टूल है ये, और यहाँ जो ये फॉर्म वन वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज अवर विजुअल डिजाइनर पार्ट ऑफ द इंटरफेस। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज नोन एज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। दिस वन राइट साइड में आपको नजर आ रहा होगा। बेसिकली सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके सब कुछ होता है। आप देखिए इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का नाम एग्जांपल है, इट इज शोइंग इट हियर। और अगर आप देखें तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इसके अंदर एक फॉर्म है, ठीक है ना। मगर अब अभी क्योंकि इसके अंदर मैंने और टूल्स नहीं डाले हैं, अगर मैं जैसे ही आपके फॉर्म पर टूल्स प्लेस करूंगी दैट विल बी विजिबल हियर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। नाउ आफ्टर देन इसके अलावा एक आपका और होता है, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज विंडोज। दिस इज योर प्रॉपर्टी विंडो। ये जो अगर राइट साइड पर आप डाउनवर्ड में देख रहे हैं प्रॉपर्टी विंडो, देखिए दोस्तों अगर क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम फॉर्म क्लिक्ड है, इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नजर आ रही है फॉर्म वन की। बट अगर यहाँ कोई और टूल हो और वो सिलेक्टेड हो तो उसी की प्रॉपर्टी विंडो आपको नजर आएगी। दोस्तों इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज अगर आप नजर कर रहे हो तो देखिए आपको बहुत सारा नजर आएगा, बट इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ तीन चीजें कि पहला आपका विजुअल डिजाइनर हमारा जो होता है दैट इज दिस पार्ट जहां पर फॉर्म वन लिखा है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो है दैट इज दिस पार्ट जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके मतलब इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अभी फिलहाल फॉर्म वन है इसलिए फॉर्म वन नजर आ रहा है। अगर कुछ और डालेंगे लाइक रिपोर्ट और समथिंग एल्स देन इट विल शो यू मोर थिंग्स हियर। आफ्टर देन अगर देखें तो दिस इज द थर्ड वन, दिस इज नोन एज फॉर्म एक्सप्लोरर प्रॉपर्टीज विंडो। अगर आप देखें तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर टूल की फॉर्म जो भी हमारा टूल सिलेक्टेड लाइक फॉर्म, तो उसकी प्रॉपर्टीज नजर आती है। ठीक है दोस्तों,
इसके साथ एक चीज और बता रही हूँ आपको, दैट इज नोन एज टूल बॉक्स. देखिए टूल बॉक्स अगर आप देखें तो यह लेफ्ट साइड में अगर आपको नजर आ रहा होगा टूल बॉक्स दिस वन. दोस्तों जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यू विल एबल टू सी मेनी टूल्स हेयर. अगर आप देखें तो पॉइंटर टूल भी है, बटन टूल भी है, चेक बॉक्स भी है, चेकलिस्ट बॉक्स भी है, कॉम्बो बॉक्स भी, इवन टेक्स्ट बॉक्स भी, और मेनी अदर टूल्स ऑल्सो. यू कैन चूज एनी टूल अकॉर्डिंग टू यू. तो दोस्तों देखिए आज मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, और कि आपको एक फॉर्म डिजाइन करवा रही हूँ जिसके अंदर आप लोगों को मैं एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन डिजाइन करेंगे हम लोग इस फॉर्म के अंदर. तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. सॉरी, टूल बॉक्स में सबसे पहले आई एम सिलेक्टिंग लेबल. तो देखिए लेबल मैंने यहां से सिलेक्ट किया, सिर्फ मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. देखिए मैंने ड्रैग कर रही हूं एंड आई एम प्लेसिंग इट हेयर. जैसे ही मैंने प्लेस किया I can see the label tool here. और अब properties window में अगर आप check करेंगे तो अब आपको form की properties नजर नहीं आएंगी, label की property नजर आएंगी, because this tool is selected. तो have a look. अगर आप property पे देख रहे हैं तो label one की आपको properties नजर आ रही होंगी, ठीक है ना. इसी को मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर रही हूँ इसके एक प्रॉपर्टी यूज करके, दैट इज नोन एज फॉन्ट. फॉन्ट बेसिकली प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप साइज बढ़ा सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो. You can do anything. So right now I am changing its size only. I am changing it to, let's suppose 20 or 18. And जैसे मैं okay click करूँगी, you will able to see it properly. Label one. ठीक है ना दोस्तों. Now I am going to add one more thing, that is text box. For that again I need to go in toolbox, and here I need to search for text box, or I can simply go and select. ठीक है ना. Now I am going in text box, and after then मैं इसको क्या कर रही हूँ, drag कर रही हूँ और drop कर रही हूँ in front of it. जैसे मैंने label one का font size बढ़ाया था, मैं इसका भी थोड़ा font size increase कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से नजर आए. And for that, because this particular tool is selected right now, तो अगर आप properties window में देखेंगे तो text box one की ही आपको properties नजर आ रही है, और आपके पास इसमें भी एक font property होती है which you can choose. ठीक है ना. Now I am choosing it and I am selecting it to 20. और okay जैसे ही मैं करूंगी तो you can see the size is now enlarged. ठीक है ना friends. देखिए label is done, text box is done. Now last tool we are going to use today, that is button. And for button what I am doing is I am just selecting toolbox again, and here I am using button. And here I am selecting the button and dragging and dropping it here. तो अगर आप देखें तो you will able to see that there is one button also. दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सिर्फ form को design किया है, अभी हमने इसमें किसी भी तरीके की coding नहीं की है friends. तो इसीलिए अगर आप अभी से सिर्फ run करने की भी अगर कोशिश करेंगे तो ये कुछ नहीं नजर कराएगा. You will able to see simply the normal things. अगर मैं देखे run करना चाहूँ तो there is one green color button here on the top, and when I will click here you will able to see everything will be displayed but nothing will happen. Why? Because we have not done any coding. ठीक है ना. तो एक बार आप देखिएगा, मैंने अभी run करने के लिए start का button दबा रखा है. Just a second. Yeah. देखिए दोस्तों अगर आपको नजर आ रहा हो तो this is the form जो कि अभी फिलहाल running है. And right now I can enter any name or anything. Let's suppose I can write down this one. Whatever I want to write, I can write because it is text box. But I cannot change the label. Even I can click the button, but nothing is happening as of now. आपको reason मैं बता चुकी हूँ इसके पीछे, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी coding नहीं करी है. That's why it is. ठीक है ना दोस्तों. तो इसको जो हमने run किया है इसे बोलते हैं execution, और you can say run. और जो हमने यहाँ पर form में जो भी tools add on किए थे, that is known as डिजाइनिंग. तो अभी मैं दोस्तों इसको एक्सटेंड करूंगी आगे के फर्दर वीडियोस में भी. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल. और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो. दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.